और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। को अच्छे से धो लें। मैंने यहाँ 400 ग्राम लौकी ली है। अब इसके दोनों एंड्स को काट देंगे और अब इसका छिलका निकाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको छील लेंगे। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो पहले इसके 2 से 3 टुकड़े करेंगे ताकि इसको कद्दूकस करने में आसानी हो जाए, और एक ग्रेटर की मदद से अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। सारी लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें से स्क्वीज आउट करेंगे जो एक्सेस वाटर है। हाथों को अच्छे से वॉश करके इस तरह से दोनों हाथों में दबाकर लौकी का सारा पानी निचोड़ दें, क्योंकि लौकी में बहुत क्वांटिटी में पानी होता है। अगर हम सेम इसी लौकी से अगर कोफ्ते बनाएंगे तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल बाइंड नहीं होंगे। इसलिए स्क्वीज आउट कर दें सारा पानी लौकी में से और उसे प्लेट में निकाल कर रखते जाएँ। लौकी को निचोड़ कर जो ये पानी बचा है इसे फेंके नहीं, इस पानी को ग्रेवी के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसका बाइंडिंग एजेंट यानी बेसन। बेसन मैं इसमें अभी 2 हीप स्पून्स ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा बेसन मैंने अभी साइड में रखा हुआ है। इतना डाल के आप पहले एनालाइज करें कि कितना और बेसन आपको चाहिए इसको बाइंड करने के लिए। और साथ ही हम बाकी अपने दूसरे इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ टर्मरिक, कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जब यह मिक्सचर रेडी करे तो नमक बिल्कुल नहीं डालना है। नमक हमने ऐड करना है बिल्कुल लास्ट में, कोफ्ता बनाने से पहले। अगर आप पहले ही इसमें नमक ऐड कर देंगे तो लौकी बहुत अमाउंट में फिर से पानी छोड़ देती है और आपके कोफ्ते बिल्कुल बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो नमक बिल्कुल लास्ट में ऐड करें जब आप कोफ्तों को शेप करेंगे। इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है तो मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ, तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। और साथ में एक पैन में मीडियम फ्लेम पर तलने के लिए तेल गरम करने रख देते हैं। इस मिक्सचर से अब हम कोफ्ते बनाएंगे। तो उसके लिए अब मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है कोफ्ता बनाने से पहले। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और ये 1 चम्मच देसी घी इसमें ऐड करूँगी। इससे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इन सबको भी फटाफट एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब इस मिक्सचर से छोटे छोटे और गोल गोल कोफ्ते हम बनाना शुरू करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये गोल शेप में हमने अपने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको तलेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्तों को एक एक करके तेल में डालें और तलें। कोफ्तों को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए तलें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो वो तुरंत ही ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इनिशियली आप इन कोफ्तों को हिलाए नहीं, जब एक सरफेस डेवलप हो जाए उसके बाद ही इसे हिलाना और पलटना शुरू करें, नहीं तो कोफ्तों की शेप खराब हो जाएगी। अब हम इन कोफ्तों को एक एक करके पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन सा। तो इन कोफ्तों को इसी तरह टर्न कर करके पकाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं। थोड़ी देर मैंने इन कोफ्तों को अच्छे से पका लिया है और अच्छे से ये इवनली कुक हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कोफ्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं ये। अब हम इनको निकाल लेते हैं। पहले सारा स्पैचुला की मदद से ऑयल ड्रेन करेंगे पैन में ही, और उसके बाद निकालेंगे इन्हें टिश्यू पेपर पे ताकि एक्सेस ऑफ ऑयल जो है वो भी ड्रेन आउट हो जाए। तो ये सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं और इन्हें प्लेट में सेपरेटली रख लेते हैं। तो कोफ्ते हमारे तल चुके हैं, अब हम इन कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाने शुरू करते हैं।
कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 प्याज, 3 टमाटर क्योंकि हमने ग्रेवी को यहाँ थोड़ा खट्टा रखना है, 1 हरी मिर्ची, 2 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी। एक नॉनस्टिक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करें। तेल जब अच्छा गरम हो जाए तब मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा। साथ ही इसमें ऐड करें कटा हुआ अदरक और लहसुन और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। अदरक और लहसुन हमारे सॉटे हो गए हैं तो उसके बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर में चलाकर, तो उसको भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमने नॉर्मली प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक भुनना है। प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसमें टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे। तो ये 2 से 3 टमाटर हैं, इनको भी मैंने ब्लेंडर में चलाकर अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया है, तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन अच्छे से पक जाएं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम टमाटर और मसालों को एक साथ पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक ढककर। तो अब हम इसे ढक देंगे। तो ये मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे घी का पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर ग्रेवी गाढ़ी हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और मिला दें। इसे ढक देते हैं और लो फ्लेम पर ग्रेवी को 4 से 5 मिनट तक पकने दें। ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है और साथ में जो ऑयल है वो भी सरफेस आउट हो गया है। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डालकर मिक्स करें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोफ्ते जो हमने बनाकर रखे थे, तो इन्हें एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। तो ये सारे कोफ्तों को हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। ढक दें और 2 मिनट के लिए इसे पकाएं। लौकी के कोफ्ते की सब्जी अब हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ बारीक धनिया। तो ये लौकी के कोफ्ते की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।